ईद उल फितर का त्यौहार चांद नजर आने के आधार पर रविवार या सोमवार को मनाया जाएगा, जिसको लेकर राजस्थान चीफ काजी खालिद उस्मानी ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे घर पर ही रहकर इबादत करें। उस्मानी ने कहा कि कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए अपने घरों में रहना बहुत जरूरी है, ऐसे में सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। 2 माह से लगातार कोरोना COVID-19 की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी मुसलमान अपनी मसाजिदों को छोड़कर अपने घरों पर पांचों वक्त की नमाज और जुमा की नमाज की अदायगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान हुकूमत और हमारे प्रशासन के दिशा निर्देशों के हिसाब से उनको मद्देनजर रखते हुए आगे भी इसी तरह के इस कानून को हमें फॉलो करना है और आने वाली ईद जो हमारे आ रही है, इस ईद की नमाज भी आप लोग अपने घरों में ही अदा करें और बाहर बाजारों में भीड़ ना लगाएं। ईद को सादगी के साथ मुकम्मल करें और इसके साथ साथ जब भी कोई आदमी ईद का चांद देखे तो उसकी इत्तला हमारे हिलाल कमेटी के अंदर पहुंचाए ताकि उसका सही तरीके से ऐलान किया जा सके। ये जिम्मेदारी आप सभी की है।